बैक टू द चैनल। आज हम लोग का सेकेंड डे है पटाया में और अभी हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड के ट्रिप पे। स्पीड बोट से हम लोग को लेके जाएंगे कोरल आइलैंड। हाथ पे ऐसा सब लिखा है बिफोर आई गेस, इफ आई रिमेम्बर, वो हम लोगों का प्लान था। हम लोगों ने 2000 बात पे की है आज के प्लान के लिए पर पर्सन। का फर्स्ट एक्टिविटी है पैरा सेलिंग, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी है। आपने तो किया है ना पहले पैरा सेलिंग, उसके लिए मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। अभी हम लोग गोप्रो सेट कर रहे हैं पैरा सेलिंग करने से पहले आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए। होपफुली वो गिरे ना। अगर वो निकल गया ना तो तेरे को लगे नहीं उसका ध्यान, नहीं उड़ेगा, बहुत टाइट है एकदम। ऐसे पहले पैराग्लाइडिंग किया है अराउंड 4 से 5 बार, पैरा सेलिंग मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा था? सही है एकदम। मस्त था ना, स्मूथ था ना एकदम। एंजॉयड? यस। बोल रहा था कि पकड़ो ऐसा पकड़ो, मैंने ऐसे हाथ छोड़ दिया। तू तो डेयर डेविल ही है। कोसाक आइलैंड है। यहाँ पे हम लोग इसलिए आए क्योंकि स्नॉकलिंग और बनाना बोट राइड और जेट स्की कराने वाले हैं। वो तीनों में से कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पैकेज में वो है नहीं। नारियल पानी का टेस्ट इधर थोड़ा अलग है, जैसे तूने बोला वो ताड़गोला का जो टेस्ट है ना वैसा है, तो वो टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मलाई बहुत टेस्टी है। ये पैकेज जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उनसे बुक किया, जो हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम लोग को बुक करना पड़ा। बट आप मार्केट में बाकी के सारे ऑप्शंस भी देखिए, हम लोगों को आई गेस थोड़ा महंगा पड़ा है। 2000 बात में लंच इंक्लूडेड है, चेयर इंक्लूडेड है, बीच का पैरा सेलिंग इंक्लूडेड है और सी वॉकिंग इंक्लूडेड है। बात कर रहे हैं, झगड़ रहे, कुछ समझ नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं सी वॉकिंग। स्विमिंग नहीं आता मेरी, फटती है बहुत। अरे इसमें लेकिन अच्छा है कि तेरे को डूबना ही है। जिसको स्विमिंग नहीं आता उसने भी डर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी स्विमिंग नहीं आता है, फिर भी एकदम इजीली हम लोगों ने वो चीज़ किया। कोरल आइलैंड पे आए हैं, पैकेज बुक करने से पहले आप उनको पूछोगे कि इंडियन फूड मिलेगा या नहीं तो वो लोग आपको बता देंगे। तो हमारे पैकेज में इंडियन फूड अवेलेबल था बट फूड इतना अच्छा नहीं था, मतलब क्वालिटी बहुत ओके था, बहुत ठंडा भी था फूड। 2 बजा है और हम लोगों को 2:30 तक का टाइम दिया है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, तो नीचे जाके थोड़ी देर स्विम करते हैं या फिर ऐसे ही बीच पे वॉक करेंगे। ये ले रही है साथ में यूनिकॉर्न। चल
बहुत ज्यादा क्लीन है, मस्त है व्यू चेक करना। हम लोग रिटर्न आ चुके हैं पटाया बीच पे, मस्त मजा आया, बहुत अच्छा था। कोरल आइलैंड में भी हम लोग को स्विम करने को मजा आया क्योंकि पानी बहुत ज्यादा क्लीन था। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय वंडर्स, बाय।